सुनिए। बताशा, दबा के आवाज बढ़ाओ, मोदी जी आ रहे। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया। What? 21 दिन का लॉकडाउन? तो फिर मेरी शादी, प्री वेडिंग शूट, संगम और वो पूरा का पूरा प्रयागराज, कुछ नहीं होगा? आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। सोनम, सोनम बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? लॉकडाउन ही तो है, सब मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। देख सोनम, तू इतना टेंशन लेगी ना तो टेंशन तेरे चेहरे पर दिखाई देगा और फिर तेरी बॉडी पर भी असर करेगा। मैं जानती हूँ ना कि तू अपना कितना केयर करती है। देख लो इनकी लल्लो चप्पू, ध्यान से देखिए और तैयार रहिए, आगे जाकर ये काम हमारे जिम्मे ही आना है। हाँ, अरे दुखी है बेचारी, और कौन दुखी नहीं होगा जब सारी तैयारी हो गई और यकायक सब तालाबंदी हो जाए। बहुरिया बेटा, ऐसा करो, वो पानी पिलाओ सोनम को। जी। रिलैक्स करो ना तुम, हम है ना, हम सोचते हैं, हम कुछ करेंगे। क्या सोचेंगे और क्या करेंगे ध्रुव? हम 21 दिन का लॉकडाउन तो नहीं चेंज कर सकते ना, और कुछ सोचने और करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। ध्रुव, यूएस से मेरी सारी फ्रेंड्स, मेरे सारे रिलेटिव्स ने टिकट्स बुक कर लिए हैं, और तो और म्यूजिक और डांस की प्रिपरेशन भी हो रखी है। तुमने भले ही नोटिस नहीं किया होगा पर मैं 2 महीने से डाइट पे हूँ ताकि मेरी कमर बढ़ने की वजह से मेरा कुटियोर का लहंगा टाइट ना हो जाए। तुम तो डाइट करते नहीं हो, तुम्हें क्या पता कमर मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ध्रुव। देख लो अपनी बम्बैया बहुरा की लाज और शर्म, कमर लहंगा ही क्यों, पेटीकोट, ब्लाउज, चोली, साया के गुण गिनाए दो। इसे फिट रखने में कितनी मेहनत लगती है। छी छी छी, अपने माँ बाप की परवाह नहीं तो कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए ना कि सामने सास ससुर खड़े हैं। बहुरिया बेटा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? भगवान राम को भी विवाह के लिए पिनाक की परीक्षा से गुजरना पड़ा था, तो 21 दिन का लॉकडाउन है। पिनाक? हाँ पाप, मेरा लहंगा पिंक कलर का ही था। मतलब है, बट अगर किसी ने उस डिजाइन को मुझसे पहले पहन लिया तो, और पाप तो जानते हैं आज की तारीख में लोगों को कॉपी करते देर नहीं लगती। आप नहीं समझ सकते पाप, मेरे लिए वो लहंगा कितना इम्पोर्टेंट है। इनफ सोनम, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अब बस करो। सोनम, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। हमारी भी तो शादी हो रही है ना, हम तो ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम इसके लिए जिम्मेदार ही नहीं है। Exactly my point. शादी तो तुम्हारी भी हो रही है पर तुम तो ऐसे बात कर रहे हो ध्रुव जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमको भी फर्क पड़ता है लेकिन हम जहाँ खड़े ना वहाँ का ध्यान रखते हैं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना हम ध्यान रखते हैं। हाँ तो मैं कौन से सड़क पे खड़ी होकर रो रही गा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के सामने ही तो बोल रही हूँ। और मम्मी जी और पापा भी मेरी बात समझ सकते हैं। अगर मम्मी जी की शादी पर लॉकडाउन पड़ा होता तो उन्हें बुरा नहीं लगता। नहीं बेटी, हमारे समय में बुरा लगने का इतना बड़ा चलन नहीं था। बड़ों के सामने बहू हो चाहे बेटी, लिहाज करती थी। हाँ मम्मी जी, सोनम बच्चों जैसी हरकत कर रही हो तुम। अब हुआ है लॉकडाउन, हमारे देश में ना लाखों लोग शादी करते हैं रोज, उनकी भी तो शादी टल गई होगी ना, तो वो भी कुछ करेंगे और हम भी कुछ करेंगे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, कुछ करेंगे हम तो, निकालेंगे सोल्यूशन कोई। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सब कुछ प्लान सारे जो बना रखे हैं हमने, जो बुकिंग कर रखी है, सबको कैंसिल करके घर वालों के सामने एक सिंपल तरीके से शादी कर लेंगे। और क्या ये कर लेंगे, शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शादी के फंक्शन। मेरे लिए शादी और शादी के फंक्शंस दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और क्यों ना हो, लाइफ में इससे बड़ा, इससे हैप्पी और इससे यादगार मोमेंट और कोई होता है ध्रुव? मैं नहीं जानती। मेरे लिए फंक्शंस, फ्रेंड्स, फैमिली, शादी में तीनों होना जरूरी है। तो पॉसिबल नहीं हो सकता, फिर क्या करें बताओ? कर दें क्या, शादी कैंसिल कर दें? नहीं करते शादी फिर बताइए। सोनम, ये दिमाग ठंडा हुआ ध्रुव? जैसी देवी होती है ना उसकी वैसी ही पूजा करनी पड़ती है। तुमको क्या जरूरत थी दबा के जवाब देने की? जाओ जाओ जाक मनाओ उसको। कैसे कूल रहूं मैं रिया, मैं कूल नहीं रह सकती। तुम जानती हो ये लहंगा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जिस दिन से मैं डिजाइनर बनी हूँ उस दिन से मैं इस लहंगे को बनाने में लगी हूँ। इट्स लाइक माई ड्रीम प्रोजेक्ट। लेकिन ध्रुव को ये सब बचपना लगता है। No. एक सेकंड। ध्रुव भैया का फोन आया। हाय जी भैया। कसम है हलचल, अरे कैसे हो बे? हैं तुम हमको फोन काहे नहीं किए बे? देखो हमको कोई फसाना सुनने की जरूरत नहीं है। अभी तुमको हमारा बढ़िया काम करना है, सबको इकट्ठा करो, अभी के अभी निकलना है, समझे? ठीक है भैया, आदेश दीजिए कहाँ पे चलना है। अरे भैया सब लौंडे लपाटों को लेके आते हैं दुल्हन के कपड़ों की दुकान पर। भैया ये तो कनेक्शन और ताना है ना, हम सब वहाँ पे ब्लाउज लहंगा में क्या करेंगे भैया? अरे क्या करेंगे भैया, करना पड़ेगा बे। सिर्फ भाभी जी के स्वागत में बैनर टांग देने से तुम्हारी जिम्मेदारी जो खत्म नहीं हो जाती है हलचल, समझे? अभी तुमको चलाना है सर्च अभियान। जितनी भी ब्राइडल की दुकानें हैं वहां जाओ और भाभी जी के पिंक लहंगे जैसे डिजाइन वाले लहंगे को ढूंढो और उनको करो जब्त। और ध्यान रहे हलचल कि वैसा का वैसा लहंगा, सेम टू सेम कलर और डिजाइन किसी और के पास होना नहीं चाहिए जब तक कि तुम्हारी भाभी शादी में उस लहंगे को पहन नहीं लेती है, समझे? समझे कि नहीं? दिखा दो बेटा, प्रयागराज जी का नहीं कर सकते, दिखाओ। ये ध्रुव भैया लबड़ा काहे रहे हैं? ये तो बहकी बहकी बातें नहीं करते। हमारे लॉकडाउन की वजह से जो इनकी शादी कैंसिल हुई है ना, उससे इनका दिमाग भन्ना गया। साख लगाओगे साख? भैया हम समझ सकते हैं, पूरा देश वही शौक में है भैया। अगर भैया डिलीवरी और स्वागत टाइम पे ना हो ना, बड़ा बुरा लगता है। भैया एक बात कहें, भाभी के लहंगे से बाहर निकलिए। कसमें यानी क्या भाई, राइट? तो कसमें ये क्या था? तुम्हारे प्रयाग सॉरी मतलब आपके प्रयागराज में तो सभी सोच समझ के बात करते हैं, सिर्फ मैं ही एक हूँ ना जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं तो कुछ भी मन में आया तो बोल देते हैं। सॉरी। सही तो कह रहे हैं। सेब अभी मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया ना। सॉरी ध्रुव, मेरे लिए शादी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी शादी तुमसे हो रही है, जिसके साथ मेरा इश्क वाला लव है, जो मेरे लिए सबसे परफेक्ट है। फिर तुम ही बताओ, मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली हमारे इस हैप्पी डे पे हमारे साथ रहे, हमारी खुशी में शामिल हों, हमें ब्लेसिंग्स दे, सब कुछ इतना यादगार हो कि ये दिन हमारे रिश्ते के हर एक लम्हे में चमकता रहे। मैं आखिरी सांस भी लूँ तो कि दिन कभी धुंधला ना पड़े। प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी कुछ भी धुंधला नहीं पड़ने देंगे। एंड आई एम सॉरी, सच में आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हम ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिए। खाना लग गया है, आ जाओ। चलो आ जाओ, हमको बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है, आई एम वेरी हंग्री। कम विद मी वरना आई विल गो टू हंग्री। आ जाओ। पापा जी अरे मम्मी जी, भाभी, आप सब अकेले क्यों कर रही है? रुकिए, लाइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। भाभी जी छोड़िए तो सोनो, इट्स ओके। प्रेम जो है ना, साथ बैठकर भोजन करने से बढ़ता है। भौरिया, इधर आके बैठो बेटा, अपने साथ के हाथ का बना मटर पनीर खाकर देखो, एकदम ललन टाप बनाते हैं। इतना ललन टाप कि शादी के पहले इनके हाथ का बना मटर पनीर खाए और इनसे शादी कर लिए। और हमारे किस्मत की नूतन भी एकदम खुद के बने मटर पनीर की तरह लजीज और अच्छी निकली है। ललन टाप मतलब? ललन टाप मतलब माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा। ओके, ललन टाप। तो अंकिता भाभी, टेबल पर सब कुछ ना एकदम ललन टाप तरीके से लगा हुआ है, आप क्यों परेशान हो रही है? अगर किसी को कोई परेशानी होगी, कुछ चाहिए होगा तो वो खुद ही ले लेंगे ना। आइए, आप ही बैठ के खाइए हमारे साथ। सुन, नहीं, हम दोनों बाद में खाएंगे। हमारे यहाँ पत्नियां जो है पति के खाने के बाद खाती हैं। बाद में खाती है मतलब ये जब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो ऐसे मर्दों के साथ तुम भी नहीं खाओगी, पहले घर के मर्द खाएंगे उसके बाद खाओगी। हाँ, आप बाद में क्यों? और पत्नियां पति के साथ क्यों नहीं खा सकती है? ये तो गलत बात है ना मम्मी जी। और पा, अभी तो आपने कहा था कि साथ में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, तो पति और पत्नी को तो साथ में खाना चाहिए ना। मैं तो मानती हूँ साथ में खाने से प्रेम बढ़ता है, खिलता है, फलता है, सब कुछ होता है। इनफैक्ट मेरी और ध्रुव की फ्रेंडशिप भी खाते पीते ही हुई थी, और देखिए आज वो फ्रेंडशिप रिश्ते में बदलने जा रही है। तो इसीलिए भाभी को भैया के साथ खाना चाहिए, मम्मी जी को आपके साथ खाना चाहिए, और मैं तो ध्रुव के साथ ही खाऊंगी। और ये बाद में खाने वाली बात तो गलत है ना ध्रुव? खा लीजिए ना अम्मा, सोनम चाहती है कि हम सब साथ में बैठ के खाएं, तो बैठ जाइए। हम जो कह रहे हैं वो नहीं सुनाई दे रहा तुम्हें? दुनिया के चाहने से हम अपने घर का चाल चलन बिगाड़ देंगे। इसमें कहाँ चाल चलन बिगड़ जाएगा? रसोई में खाना बनाते बनाते एक प्लेट तो खाई जाती होगी, वो पहले खाना नहीं हुआ। बेटा बहू तू ना इतने प्यार से कह रहे हैं तो खा लो ना। फालतू में जिद किए जा रही हो। अंकिता बैठो बेटा, मौरिया तुम भी बैठो, बैठ के खाओ। जी मम्मी जी। अम्मा बैठिए ना। ए बतासा चेयर लेके आओ फटाफट। लाओ 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 जल्दी लाओ, थाली लेके आओ। हाँ समधे जी, एक बात नोटिस कर रहे हैं कि नहीं? मतलब शगुन आता है और बारात जाती है, ये बात तो हर शादी में होती है, पर ऐसी शादी जहाँ पूरे देश में लॉकडाउन है और लड़के वालों की फैमिली, लड़की वालों की फैमिली एक ही घर में बंद है, ये कितना खास, कितना स्पेशल बात है। इसका अलग मजा है और ये मजा आपको कोनो होटल में नहीं मिलता। चलिए चलिए खाइए।